हेलो एवरीवन, मैं पीयूष गुप्ता। आज आपको स्पॉटिंग एरर्स इन इंग्लिश पार्ट वन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर रूल्स टेक्स एंड टैक्टिक्स बताऊंगा। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में हूँ। मैंने 2015 में एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 154 आई थी। मुझे AFO से सर्विस मिली है और अभी मैं एनडीए में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो हमारा आज का एम है हाउ टू गो अबाउट स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके मैं आपको कुछ 9 रूल्स बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो ट्रिक्स भी साथ में बताऊंगा। तो चलिए हम समझते हैं कि स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चंस आते कैसे हैं और हम उनको करते कैसे हैं। किसी भी एग्जाम में स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चंस में एक सेंटेंस को 4 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के दिया जाता है। पार्ट वन इज ए, ऐसे ही बी सी डी, 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ई इज नो एरर। अगर आपके आपको लगता है कि आपके सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो आप पार्ट ई एज एन ऑप्शन टिक करते हैं। अगर पार्ट ए में एरर है तो ए ऑप्शन देते हैं, सी में एरर है तो सी ऑप्शन देते हैं। इट इज़ लाइक दिस। सो इसमें होता क्या, आपसे एक्सपेक्टेड क्या होता है कि कैंडिडेट्स वर्ब यूसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, इनकी एरर्स चेक करके जो गलत ऑप्शन होता है, जिस पार्ट ऑफ सेंटेंस में गलत गलती होती है, उस ऑप्शन को OMR शीट में या टिक करें या आंसर दें। इन क्वेश्चंस को करने के लिए दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली, आपको ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे से समझे हुए होने चाहिए हैं, एंड दूसरी इज़ द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है जो प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर वन। ये रूल बोलता है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन प्लूरल। अगर मैं दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड कंजंक्शन से कंबाइन करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो जो मैं वर्ब यूज़ करूँगा वो प्लूरल होना चाहिए। इट इज़ सिंपली बिकॉज एंड गिव्स अ साउंड ऑफ यूनियन। एंड हम तब लगाते हैं जब हम दो चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं। अगर ए वन प्लस वन क्या होता है, टू, टू क्या होता है, प्लूरल, ऐसे भी देख सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल पे आते हैं, जो इनकरेक्ट एग्जाम्पल है, इट सेज रमेश एंड सुरेश इज हियर। यहाँ पे गलती क्या है दिस हेल्पिंग वर्ब में, रमेश एंड सुरेश इज हियर, बट रमेश एंड सुरेश, एंड कंजंक्शन लगाने से वर्ब कौन सा यूज होता है, प्लूरल सेंस में। तो सही आंसर क्या होगा, रमेश एंड सुरेश आर हियर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। हमारा रूल नंबर टू बोलता है इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। बहुत बार बैंक पीओ के एग्जाम, एनडीए के एग्जाम, सीडीएस के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें एक पर्सन दो पोस्ट पे होता है और उसको लिखा जाता है लाइक द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, या द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, लाइक दिस। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे लिखा है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल नहीं लिखा। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल लिखने का मतलब है दो अलग अलग पर्सन है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल लिखने का मतलब है कि ये दो पोस्ट एक ही पर्सन के द्वारा ली गई हैं। सो अब हम अपने सेंटेंस पे आते हैं। इनकरेक्ट एग्जाम्पल है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। यहाँ पे गलती क्या हुई है आर का यूसेज में, जबकि हमारा रूल बोलता है कि अगर हम जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो वर्ब यूज होगा सिंगुलर होगा, जबकि आर इज अ प्लूरल वर्ब। तो हमारा सही यूसेज क्या होगा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। यहाँ पे इसको यूज करने की जरूरत थी। नाउ लेट अस कम टू रूल नंबर थ्री। हमारा रूल नंबर थ्री बोलता है इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, द वर्ब यूज इज सिंगुलर। सिंपली हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। अब बॉय जो हमारा है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारा रूल बोलता है अगर ईच और एवरी को हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले यूज किया है तो जो वर्ब यूज होगा वो होगा सिंगुलर। जबकि इनकरेक्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, वर जो होता है वो होता है प्लूरल वर्ब, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। राइट होगा एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, क्योंकि वॉज सिंगुलर वर्ब है, वर्ब यूज इज सिंगुलर, दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर।
लेट अस कम टू रूल नंबर फोर। हमारा रूल नंबर फोर बोलता है, अगर दो और मोर सिंगुलर वर्ब्स को हमने और नॉर, इधर और नीदर नॉर से ज्वाइन किया है, तो मैं जो वर्ब यूज करूंगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। सिंपली एग्जाम्पल देखिए, नीदर ही नॉर आई वर देयर। हमारा रूल बोलता है अगर मैंने दो और मोर सिंगुलर, नोट करने वाली बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया हुआ है और नॉर इधर और नीदर नॉर से, दो और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट को और नॉर इधर और नीदर नॉर से ज्वाइन किया है, तो वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। ये इंपॉर्टेंट बात है, जबकि यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है वर, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, तो यूज क्या होना चाहिए था, वॉज, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर। अब हम रूल नंबर फाइव पे आते हैं। ये एक बड़ा सा दिखने वाला रूल है, जो कि है बहुत ही सिंपल और पूछा बहुत ज़्यादा जाता है। ये रूल सिंपली बोलता है अगर मैंने दो सब्जेक्ट्स को, अब मैं ये मेंशन नहीं कर रहा कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, मैंने बोला है कि दो सब्जेक्ट्स को और नॉर इधर और नीदर नॉर से ज्वाइन किया है, एंड वो दोनों सब्जेक्ट्स डिफरेंट इन नंबर है, मतलब एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, तो जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब के पहले आएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, इनकरेक्ट फॉर्म, नीदर दी असिस्टेंट मास्टर्स एंड दी हेड मास्टर। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, नीदर दी असिस्टेंट, ये द असिस्टेंट मास्टर्स सब्जेक्ट नंबर वन एंड द हेड मास्टर इज सब्जेक्ट नंबर टू। अब ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, जबकि ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज हुआ है। हमारे इनकरेक्ट क्वेश्चन में यूज हुआ है नीदर दी असिस्टेंट मास्टर्स नॉर दी हेड मास्टर वॉज प्रेजेंट। यहाँ पे दो गलती है। पहली, जो हमारा रूल बोलता है कि अगर मैं दो डिफरेंट नंबर्स वाले सब्जेक्ट्स को नीदर नॉर इधर और एंड नॉर से जोड़ता हूँ, तो जो हमारा वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा, और जबकि हमने यहाँ पे वॉज यूज किया है जो कि है सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे यूज होना चाहिए था वर, सही। और दूसरी कंडीशन हमारे रूल में ये है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो है द असिस्टेंट मास्टर्स, वो आना चाहिए था वर के पहले यहाँ पे। सो हमारा क्लियर जो करेक्ट आंसर है वो ये है, दी नीदर दी हेड मास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट इज बिफोर अ प्लूरल वर्ब, तो ये होता है हमारा सही आंसर। अब आते हैं हम अपने रूल नंबर सिक्स में। आर रूल नंबर सिक्स इज व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब अग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। सिंपली ये बोलता है कि जब हमारे सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन बाय और नॉर इधर और नीदर नॉर, तो जो हमारे वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन में इधर ही और आई, यहाँ पे आई लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो आई का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा जो कि एम होता है। आप करेक्ट आंसर में देख सकते हैं क्या यूज हुआ है, इधर ही नॉर आई एम, दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर। अब आप रूल नंबर फाइव देखिए, ये भी कुछ वैसा ही बोल रहा था। इसमें ये बोल रहा था कि अगर हम दो डिफरेंट नंबर्स वाले सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो हमारा जो डिफरेंट या प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब के पहले आना चाहिए। और हमारा रूल नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, हमारा रूल नंबर सिक्स बोल रहा है कि हमारा जो वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उससे हमारा हेल्पिंग वर्ब एग्री करना चाहिए। ये दोनों रूल ऑलमोस्ट सेम बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे आई दिया हुआ है, आई के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो एम आएगा। यहाँ पे दिया था दी असिस्टेंट मास्टर्स नॉर दी हेड मास्टर, असिस्टेंट मास्टर जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब के पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, होनी जरूरी है। द असिस्टेंट मास्टर्स शुड कम बिफोर प्लूरल वर्ब, देयर फोर दिस होल सेंटेंस वॉज चेंज्ड। ये असिस्टेंट मास्टर्स को उठा के यहाँ से हम यहाँ पे लाए थे इसीलिए। तो हमारे रूल नंबर फाइव और रूल नंबर सिक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी याद रखने के लिए दो अलग अलग रूल बना के मैंने आपको समझाया है। अब हम आते हैं रूल नंबर सेवन पे। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल, अ प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ विच इट इज कंपोज आर थॉट ऑफ।
सिंपली हमारा रूल ये बोलता है कि जब मैंने एक बड़ी सी कंपनी का नाम ले लिया और मैंने उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को रेफ़र ना करते हुए पूरी कंपनी को रेफ़र किया है, लाइक दिस कि इन्फोसिस इज़ अ गुड कंपनी, अगर मैंने ये बोला है तो इन्फोसिस को मैंने एक सिंगुलर सेंस में बोला है, तो जो मैंने वर्ब यूज़ किया इज़ अ गुड कंपनी, सिंपली इज़ इसलिए क्योंकि इन्फोसिस, एज ऐसा हो सकता है कि इन्फोसिस में बहुत सारे लोग काम करते हों, उसके 1,000 या 2,000 एम्प्लॉयज़ हों, बट मैंने इन्फोसिस यूज़ किस सेंस में किया है, सिंगुलर सेंस में, तो हमारा जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा। नाउ लेट अस कम टू आर एग्जाम्पल, उसमें जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो बोलता है द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। अब मैंने जहाँ पे जो मिलिट्री को यूज़ किया है एज अ सिंगल यूनिट, सिंगल एंटिटी की तरह यूज़ किया है, तो यहाँ वर का यूसेज गलत है, हमें क्या यूज़ करना था, अ सिंगुलर वर्ब जो है वॉज, दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस कम टू आर रूल नंबर 8 विच सेज सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है, हर साल आता है। वर्ड्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जो कि हमें प्लूरल लगते हैं, हमें प्लूरल वो वर्ड्स लगते हैं जनरली जिनमें पीछे एस या ई एस लगा होता है, तो नॉर्मली जो वर्ब्स, जो सब्जेक्ट्स प्लूरल फॉर्म में हैं बट उनका मीनिंग सिंगुलर है, तो हमें उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। सी दी इनकरेक्ट पार्ट, मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी, आर मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट है, इट इज़ अ सिंगल एंटिटी, दैट्स वाई वी शुड यूज मैथमेटिक्स इज, एंड दिस इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस कम टू आर लास्ट रूल, रूल नंबर 9, वर्ड्स ज्वाइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू और एज वेल एज एटसेट्रा डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और उस सब्जेक्ट को मैंने जोड़ा है विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू और एज वेल एज जैसे कंजंक्शंस के साथ। यहाँ पे हम कहीं भी एंड का मेंशन नहीं कर रहे हैं, एंड इज जस्ट लाइक सम, मैंने दो सब्जेक्ट जोड़े, इट इज़ 1+1, दैट्स वाई इट इज़ अ सब्जेक्ट प्लूरल, 1+1 इज़ 2, तो वन सब्जेक्ट, वन सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वन सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, सिंपल रूल। तो एंड के साथ हमें प्लूरल वर्ब लगाना पड़ता है, जबकि विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू और एज वेल एज, इन पांचों के साथ हमें अगर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें कुछ ऐड करने के लिए मैंने विथ, टुगेदर विथ, इन सब का यूज़ किया है, लाइक इन दी एग्जाम्पल दी चीफ विथ ऑल हिज मैन, मैंने चीफ जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उससे कुछ बंदों, कुछ लोगों को जोड़ने के लिए विथ ऑल हिज मैन ऐड किया है, तो हमारा जो वर्ब है वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ब का यूसेज गलत है, यहाँ पे सही यूसेज वॉज का होगा जो कि हमारा सिंगुलर वर्ब है, दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर मोर वीडियो अपडेट्स। टिल देन, जय हिंद।